तो भाई यहाँ से हमारे रेस ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। और भाई ये GTR कूद गई। एंड गाइज हमारी GTR को यहाँ पे चलाना काफी मुश्किल है। और भाई अब यहाँ से हमारी GTR जंप लगाने वाली है। और भाई ये GTR कूद गई। और भाई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे ही ये ट्रैक भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। और भाई GTR ने अभी बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली है। वेट अ सेकंड, ये क्या हुआ भाई? तो गाइस आपको जो यहाँ एयरपोर्ट दिख रहा है, आज मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक रेसिंग ट्रैक जहाँ पे हम लोग अपनी रेसिंग कार्स के साथ रेस कर सकते हैं। अच्छा। और गाइस ये रेसिंग ट्रैक काफी बड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अब फटाफट से हमारे रेसिंग ट्रैक को बनाते हैं। तो गाइस मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने रेसिंग ट्रैक की स्टार्टिंग यहां से करूंगा। तो स्टार्टिंग में मुझे RGS टूल के P3 से आने वाले प्रोप्स को ऐसे मंगाना है और बाउंड्री लाइन पे सेट करते जाना है। ठीक है, समझ गया। रुको, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यहां पे लगा देता हूं। हां, अब ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हो गया। अबे अभी से ही क्या ये कर रहे हो, एक ही लगाए पूरा रेस ट्रैक नहीं बना। बात तो सही है। बाकी ऐसे ही प्रोप्स मुझे और भी बहुत ज्यादा लगाने, इसलिए मैं तुम लोगों को बोर नहीं करूंगा, इन प्रोप्स को लगा के ही मिलता हूँ तुम लोगों से। भाई ये क्या बार बार इसके ऊपर चढ़ रहा है, क्या सस्ते नशे कर लिए क्या इसने? पता नहीं। तो गाइस मैंने ये इन प्रोप्स की लाइन यहाँ तक बना दी। और भाई इस एक प्रोप्स की लाइन को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो पूरे ट्रैक को बनाने में कितना टाइम लगेगा? पता नहीं। बाकी अभी मुझे यहाँ पे ऐसी ही एक और लाइन बनानी है, तो फटाफट से उस लाइन को बना के मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। तो गाइस मैंने काफी देर मेहनत करके लगभग आधा रेस ट्रैक बना दिया, तो अब उसको दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने ट्रैक को ऐसे जिगजैग बनाया है ताकि हमारा रेसिंग ट्रैक थोड़ा हार्ड बन सके। और थोड़ा सा आगे जाते ही तुमको यहाँ पे फ्यूल टैंक एंड सिलेंडर्स दिखेंगे, और इनसे भी हमारा ट्रैक काफी डिफिकल्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारे ट्रैक में एक मोड़ आएगा और यहाँ पे खड़ी है कुछ बाइक्स जिनको ठोक के हमारी कार को जाना पड़ेगा, जिसके बाद एक और टर्न आएगा और हमारा ट्रैक आगे तक जाएगा। बाकी गाइस इतनी देर से सिर्फ P3 डायल करते करते मेरी हाथों की स्पीड भी काफी बढ़ गई है और अब मैं काफी फटाफट काम कर पा रहा हूँ। किसने कहा वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखी? नहीं भाई, हाथों की स्पीड है ये मेरी, समझ गए ना, हाथों की। और गाइस मैंने इस रेस ट्रैक को थोड़ा सा रोड से भी कनेक्ट किया है और अब ये रेस ट्रैक डिफिकल्ट के साथ दिखने में काफी मस्त भी लगेगा। अच्छा। अबे क्या है लैम्बोर्गिनी वाली हरी टट्टी, अबे साले रोड के बीच में ये क्या लगा रहा है, हटा इनको। अब तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने ये कार ब्लास्ट की है? अरे नहीं भाई मैंने नहीं की ये कार ब्लास्ट, बाकी चुपचाप से निकल लेता हूँ अब यहाँ से। हाँ 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 भाई, चढ़ा दे इस कार को इस ट्रैक पे, कर दे इस ट्रैक को कम्प्लीट। अरे गिर गया। तो गाइस अभी जो ये ट्रैक है ना, ये पूरा मैं दोबारा से बना रहा हूँ क्योंकि मैं गेम को सेव करना ही भूल गया और गलती से मुझसे गेम बैक हो गया। तो हाँ, मेरी इस बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत मुझे दोबारा से करनी पड़ रही है। तो फाइनली गाइस अपना रेस ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब बारी है अपनी निशान GTR को इस रेसिंग ट्रैक पे भगाने की। बट रुको, पहले मैंने जो इतनी मेहनत करके इस रेसिंग ट्रैक को बनाया है, तो उसको वसूल करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके जरूर बताओ नेक्स्ट मुझे IBD 3D में क्या बनाना चाहिए। बाकी अब इस बर्नआउट के साथ अपनी रेस को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज अपने बनाए हुए रेस ट्रैक पे हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा। बाकी अब ये हमारा यहाँ पे जिगजैग वाला ट्रैक आ गया है और मैंने इसको भी फुल स्पीड में पार कर दिया है। एंड निशान GTR भी अब काफी स्पीड में चल रही है और ये भाई मेरी GTR यहाँ पे अटक गई यार। तो गाइज मेरी GTR वहाँ पे अटक गई थी, इसलिए ट्रैक मुझे यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। बाकी अब तो मैं अपने GTR को धीरे चलाने वाला हूँ। भाई ये GTR दोबारा से कूद गई।
अब की बार बच गई भाई, कार मेरी अटकी नहीं। बाकी अब कार को यहाँ से मोड़ के ट्रैक को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और गाइज यहाँ पे ट्रैक को हार्ड बनाने के लिए मैंने कुछ प्रोप्स को नीचे धरती में डाल दिया है, और ऐसे ही मैंने सामने वाले प्रोप्स धरती के अंदर डाल रखे हैं। ठीक है, समझ गया। बाकी इन प्रोप्स के ऊपर हमारी निशान GTR काफी ज्यादा अनबैलेंस हो रही है। बाकी अब यहाँ पे कार को स्लो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टर्न है। एंड गाइज ट्रैक को हार्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक दो टर्न्स भी दे दिए थे। बाकी अब यहाँ से मुझे GTR को सीधा भगा के ले जाना है सामने की ओर। एंड सामने एक और टर्न आ गया है, तो फटाफट से GTR को यहाँ से भी मोड़ लेते हैं। बाकी गाइज सामने ये रैंप है, यहाँ से मुझे GTR को ऊपर चढ़ाना है। बाकी गाइज इस ट्रैक को बनाने में जितनी मेहनत लगी थी उतना ही इसको खेलने में मजा भी आ रहा है भाई। अच्छा, वैसे अब मुझे यहाँ से अपनी कार को कूदाना है। और भाई ये GTR यहाँ से कूद गई। ओ भाई बच गया इस बार भी। बाकी अब तो मुझे इस रोड पे अपने निशान GTR को फुल स्पीड में भगाना है। बाकी मैं अपने GTR को फुल स्पीड में भगाते हुए इस टर्न तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे सामने वाले इस रैंप पे अपनी कार को चढ़ाना है। अच्छा, तो गाइज मैंने अपनी GTR को भी इस रैंप पे चढ़ा दिया है, और अब मुझे इसको सामने की ओर ले जाना है। तो गाइज सामने यहाँ पे स्टेयर्स, और मुझे अपनी कार को स्टेयर्स पर से उतारना है। तो थोड़ा सा अपनी कार को पीछे लेके इन स्टेयर पर से भी उतारते हैं। और भाई अपने GTR ने स्टेयर्स को भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर दिया। वैसे गाइज यहाँ पे मैंने ट्रैक को सर्कल बनाने की कोशिश की थी, इसलिए अपनी GTR गोल गोल घूम रही है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा गोल घूमने के बाद अपने सामने आ जाएगा एक और रैंप, और यहाँ पे भी मुझे अपनी GTR को चढ़ाना है एंड जंप कराना है। एंड जैसा कि गाइज आप देख ही रहे हो कि हमारी GTR इस रैंप पे भी आसानी से चढ़ गई। और इसी के साथ गाइज मैंने अपना रैंप आधे से ज्यादा कंप्लीट भी कर दिया है। वैसे गाइज इस रेसिंग ट्रैक को मैं जितना ज्यादा हार्ड बना सकता था मैंने उतनी ही कोशिश की है इसको हार्ड बनाने की। अच्छा, वैसे गाइज आपको मेरा ये रेसिंग ट्रैक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड इस रैंप पे भी हमारी GTR सक्सेसफुली आराम से चली गई। बाकी गाइज मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार। बाकी यहाँ पे मैंने निशान GTR के उतरने के लिए डस्टबिन से एक रैंप बनाया है, जो कि सच में काफी मस्त है भाई। एंड इसी के साथ गाइज हमारे यहाँ पे ट्रैक की एंडिंग भी आ चुकी है। बस मुझे यहाँ से GTR को कूदाना है, और भाई ये सक्सेसफुली जंप कंप्लीट हो गई। एंड यहाँ पे इस बिल्डिंग पे हमारा रेस ट्रैक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जहाँ तुम्हारा मन करे अपनी कार को कूदा दो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को मेरा ये रेसिंग ट्रैक कैसा लगा। एंड ये भी बताना कि मुझे नेक्स्ट अपने IBD 3D में क्या बनाना चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।